अक्सर जल्द पैसा रुतबा और ताकत हासिल करने के जुनून में नौजवानों की अकल पर नासमझी का पर्दा पड़ जाता है। ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन नासमझी की हद तो तब दिखाई देती है जब अपराध भी डंके की चोट पर होने लगे। जी हाँ, बरेली में एक नौजवान युवक ने अवैध हथियारों को बेचने के लिए फेसबुक पर ही खोल ली है असलों की मंडी। क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं बरेली से इस रिपोर्ट में। 315 बोर का तमंचा हो या 32 बोर का इंग्लिश पिस्टल, रिवॉल्वर हो या डबल बैरल बंदूक, अगर गैर कानूनी तरीके से किसी भी असले को खरीदना हो तो ये अब बहुत आसान हो चला है। यूपी के जिले बरेली में एक युवक ने ऐसे अवैध असलों की फेसबुक पर मंडी सजाई है। जी हाँ, शेंकी गुप्ता के नाम से बने फेसबुक प्रोफाइल पर इन हथियारों को बेचने के लिए फेसबुक वॉल पर प्रदर्शनी लगाई गई है। इतना ही नहीं, शेंकी नाम के इस युवक ने किसी की डिमांड पर बकायदा खरीद के लिए अपना नंबर तक सार्वजनिक किया है। बताया जा रहा है शेंकी गुप्ता नाम का ये युवक बरेली के बहेड़ी तहसील का रहने वाला है। फेसबुक पर इस अनोखी मंडी को देखकर इस युवक की बहन के पीलीभीत जिले के बीसलपुर निवासी ससुर महेंद्र गुप्ता ने विरोध किया तो इसने उसे भी धमकी दी। धमकी से घबराए महेंद्र गुप्ता ने इसकी शिकायत एसएसपी बरेली से की है। फेसबुक ऐसा है साहब कि हमारा दो महीना पहले फेसबुक का हमारा मतलब हमने चलाया था, उसमें जो है शिवम गुप्ता उर्फ सैंकी गुप्ता जी हमारा बेटे का साला है, और ये जो है मतलब उस फेसबुक पे जो है मतलब ये हसले का व्यापार, जिसमें पूरी मतलब हमने फोटो स्टेट वगैरह सब दे दी, मतलब व्यापार कर रहे हैं। और उसके बाद में जिस बात की जब उन्हें जानकारी मिली है तो उन्होंने फिर हमको धमकियाँ भी वगैरह भी दी। उनके भाई भी एक हैप्पी गुप्ता, उन्हें भी हमें धमकियाँ कई बार दी, जिसमें वो भी फेसबुक पे, उनकी हैप्पी का भी फेसबुक है हमारे पास, उसमें भी मतलब इशारा फोटो लगा हुआ है, इशारा दिया है। और उसके बाद में फिर हम मतलब श्रीमान जी के यहाँ आए, उनसे हमने शिकायत करी है। हाँ, पीली तो शिकायत करी साहब, आजकल मतलब जो है तो आप समझ रहे हो कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं दिया, वो एप्लीकेशन। फिर उसके बाद फिर हम यहाँ आए, फिर श्रीमान जी के यहाँ मिले, मिलने के बाद फिर फेसबुक पर असलों की इस अनोखी मंडी की हकीकत जानने के लिए हमने भी इस शेंकी गुप्ता नाम के शख्स से खरीदार बनकर बात की। तो आरोपी शेंकी ने पहले तो हमसे ठीक से बात की, लेकिन अचानक ही उसके तेवर बदल गए और वो गाड़ी ग्लोव पर उतर आया। बहरहाल मामले की शिकायत पर एसएसपी ने मामले की जांच साइबर सेल को सौंपी है।